Subscribe and press the bell icon for latest update. हमारा शरीर सभी रोगों से लड़ने के लिए अपने इम्यूनिटी सिस्टम का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिस प्रकार आजकल का मौसम जल्दी जल्दी बदल रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी बदलता रहता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे कई रोग जैसे लू, लप्ट, घमौरी, पेट संबंधी आदि बीमारियाँ हमारे शरीर को जकड़ लेती हैं। इन्हीं में से एक है डायरिया, जो कि बच्चों, जवानों और बूढ़ों सभी को हो जाने वाला एक आम रोग है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका होने का कारण क्या है और इसके लक्षण क्या है और इसे बचने का उपाय क्या है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये होता कैसे है। मौसम बदलना, ज़्यादा खाना, दूषित फल और पानी का सेवन करना, ठंडा पानी और बर्फ़ को ज़्यादा खाने से हमें डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, और साथ ही सर्दियों और बारिश के मौसम में वायरल इन्फेक्शन से और खाने पीने में मिलावटी चीज़ों का सेवन करने से, जैसे दूध, पनीर, बासी मीट खाने से भी हमें डायरिया हो सकता है। आइए अब हम जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। डायरिया के लक्षणों के रूप में दस्त आने से पहले हल्का, पेट में दर्द होना, कभी थोड़ा गाढ़ा तो कभी पानी के समान की तरह तेज़ी के साथ मल निकलना, शारीरिक दुर्बलता, पेट दबाने पर दर्द होना, जीभ सूखना, इसके अलावा हाथ पैर ठंडे पड़ना, शरीर में बेचैनी, थकान आदि लक्षण देखने को मिलते हैं। अब आइए हम बात करते हैं डायरिया से बचने के उपायों के बारे में। डायरिया होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इसलिए अधिक से अधिक पानी को पीना चाहिए। घर से निकलने से पहले घर का साफ और उबला पानी अपने साथ एक बोतल में अवश्य रखें, और जब भी प्यास लगे तो इसे पानी का सेवन करें, और हैंडपम्प और टंकी आदि का पानी बिल्कुल भी ना पिए, क्योंकि इनमें कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो आपको और ज़्यादा बीमार कर सकते हैं। जितना हो सके खिचड़ी, दलिया जैसे हल्के भोजन का सेवन करें, पेट को गर्म कपड़े से ढक कर रखें और हाथों के नाखून काट कर रखें। एक प्याज को पीस कर नाभि पर लेप करें, पुदीने के 3-4 पत्तों को पानी में उबाल कर पिएं, 1 चम्मच चाय की पत्ती और 1/4 चम्मच नमक लेकर उनको पीस कर रख लें। इसे दिन में 3 बार गर्म पानी से लेने में पेट दर्द और डायरिया ठीक हो जाता है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए ये टिप्स आयुर्वेद और नेचर से जुड़े हैं। क्योरेन ही आयुर्वेद है, इसलिए क्योरेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।